मैं अभी श्रीनगर में ही हूँ एंड जैसा कि आप जानते हैं, कल बहुत सारे देर रात में लीडर्स को पता चलना शुरू हुआ कि उनको शायद अंडर हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। सबसे पहले ओमर साहब ने ट्वीट किया और फिर मेरी मदर को भी, महबूबा जी को भी पता चला एंड शाम तक वो अंडर हाउस अरेस्ट थी। लेकिन फिर शाम में अराउंड 6 बजे हमें मैसेज आया कि उनको शायद प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जाएगा। यही लगभग 7 बजे के करीब कुछ 4-5 ऑफिसर्स आए, एक मैजिस्ट्रेट भी आई एंड उनने मेरी मदर को एक अरेस्ट वारंट दिया एंड उनको थोड़ा वक्त दिया कि वो अपना सामान पैक कर पाए और उनको फिर ले लिया गया। अभी करंटली वो हरि निवास में है, जो एक गेस्ट हाउस टाइप गवर्नमेंट अकोमोडेशन है और ये गुपकार रोड पे ही है, मेरे घर से लगभग 5-10 मिनट की डिस्टेंस पे है। लेकिन फैमिली में से किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो महबूबा जी से कोई भी राबता रख पाए या उनको देख पाए। मैं चाहती थी कि मैं अपनी मदर को अकम्पनी करूं और उनके साथ रहूं, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। क्या जो लोग महबूबा जी को ले गए हैं डिटेन करके, उन लोगों ने बताया कि ये कब तक के लिए है, कब तक उन्हें वहां रखा जाएगा? अगर गवर्नर, जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनका ये हाल था कि उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। शायद उनको पता था और उनने बताया नहीं, तो वो तो उससे भी बुरी बात हुई। लेकिन यहाँ के जो ऑफिसर्स भी हैं जो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको, दे हैव नो क्लू कि ये कब तक इन लोगों को रखना है। हमें बोला गया है कि शायद कल परसों तक छोड़ देंगे, लेकिन मैं इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। आई जस्ट होप कि मेरी मदर सेफ हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में कुछ भी किया जा सकता है। आप वहाँ की एक बड़ी लीडर की बेटी हैं, इसके अलावा आप एक कश्मीरी नौजवान भी हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक कश्मीरी यूथ के नाते आप किस तरह देखती हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो कश्मीर का नौजवान है, जो कश्मीर का यूथ है, उनको अभी बहुत गुस्सा है और एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है कि उनको लगता है कि रातों रात ये डिसीजन उनके ऊपर थोप दिया गया है और उनको ये अलाउ भी नहीं किया जा रहा कि वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करें। कोई घर घर से निकल नहीं सकता, कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप कितने टाइम लोगों को ऐसे कर्फ्यू में डालेंगे, कितनी वक्त के लिए आप ये करेंगे? ऐसे यहाँ हालात क्यों पैदा किए? उनको इतना डर क्यों लग रहा है लोगों के रिएक्शन का? अगर वाकई में वो यकीन रखते हैं कि ये कश्मीरीज के मुस्तकबिल के लिए है, तो फिर उनको ऐसे बांध के, जानवरों की तरह बांध के क्यों रख दिया है? आप उनके साथ थी इस वक्त, इस बीच ये जो पीरियड था अभी डिटेन किए जाने से पहले वाला, इस बीच उन्होंने घर परिवार में आपसे क्या बातें की, कोई हिदायतें दी, किसी तरह के कोई डर आपसे शेयर किए हों, कोई आशंकाएं शेयर की हों? ऑब्वियसली कल से घर में बहुत टेंशन रहा है, कल से ही नहीं, एक हफ्ते से, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। बट ये सबको एक्सपेक्टेशन थी कि ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे एंड आर्टिकल 35A एंड 370 के मुतल्लिक ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। मेरी मदर ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं एंड वो बहुत बहुत स्ट्रांग औरत हैं एंड उनको बिल्कुल डर नहीं था। बट उनको ये चिंता अभी खाई जा रही है कि जो डिग्निटी कश्मीरी लोगों की स्ट्रिप की गई है, जो उनसे जबरदस्ती उनके जो हक थे, जो वो लिए गए हैं, उसका हम आगे जाके अब कैसे एक रिस्पांस स्ट्रीमलाइन करें जिससे हम अपने लोगों की आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी के लिए लड़ पाएं।